सर जो आप चालान किए उसके बारे में थोड़ा। जिन घरों का गार्बेज सेग्रीगेटेड नहीं था, अलग अलग नहीं था, जैसे गिल्ला सूखा, तो उन लोगों के हमने आज चालान किए हैं। तकरीबन 10 चालान किए हैं आज। सर आपने जो रेड किए इसमें आपको क्या स्लम एरिया में आपने मतलब जो गली मोहल्ले में लगे कि आपको लगता है कि यहाँ के लोग अवेयर हैं? हाँ जी, बहुत लोग मतलब तकरीबन 80-90% लोग ऐसे थे जिनका गार्बेज बहुत ही अलग अलग मिला, अलग अलग बाल्टियों में मिला। और कुछ लोग थे 10%, उनको कुछ लोगों को हमने चालान किए हैं, कुछ का जिसका थोड़ा बहुत था उसको थोड़ा बहुत अवेयर कर दिया। जैसे हमारा किचन का वेस्ट है, सब्जियाँ होगी, इसकी तो हम खाद बना सकते हैं। और जो दूसरा वेस्ट है जैसे प्लास्टिक के लिफाफे वगैरह या रैपर्स वगैरह, वो गलते नहीं, उसकी कोई खाद नहीं बनती है। तो अगर उसको अलग अलग करेंगे और गीले कूड़े के साथ वेस्ट नहीं होगा उसका, तो फिर वो उसका अलग हम कुछ अलग जैसे ईंधन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं उस प्लास्टिक वेस्ट को, और वो मिट्टी में नहीं जाएगा और उसका फिर पानी भी नहीं, और जो क्वालिटी ऑफ सॉइल या मिट्टी की क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होती है। लोगों का मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अपना पर्यावरण बचाओ और अपना गीला सूखा अलग अलग करके, और जितना गीला कूड़ा है उसे घर पर ही खाद बनाएं, और जो डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरा पहाड़ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।